अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है आप सब बहन भाइयों की दुआ से। तो हम पहुंच चुके हैं अपने शहर कोटा दुखी सब्ज़ी मंडी पर। यहां से हमने लेनी है सब्ज़ी, तो विज़िट करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या पोजीशन है सब्ज़ियों के रेट की, तो उसके बाद जो है ना फिर लेते हैं जो कुछ भी हमने लेना है और ले कर फिर हम चलेंगे वापस घर इंशाल्लाह ताला, रक्शे पर लोड करवा के। तो ये देखें जी सब्ज़ी मंडी, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे जी। तो बंद गोभी हमने ले लिए है, ये 3 बोरे, ये अभी फ़िलहाल इधर ही पड़े हैं। तो बाकी की सब्ज़ी जो है ना वो लेके फिर जो है ना हम यहाँ से उठा लेंगे। आप जी, हम प्याज लेने लगे हैं, ये भी 800 रुपए की एक धड़ी जो है ना, यानी कि 800 रुपए के 5 किलो, बहुत ज़्यादा महंगे हैं जी टमाटर और प्याज। बाकी बंद गोभी हमने ले ली है और गाजर भी ले लिए हैं और बाकी आलू जो है ना वो हमने अभी लेने हैं जी। तो आलू भी हमने ले लिए हैं, ये 2 बोरे जो है ना हमने अलहदा कर दिया, फिर इनको उठा जी। तो सामान हमने टोटल ले लिए है, अब जो है ना सामान इकट्ठा करते हैं, रक्शे पे लोड करते हैं, फिर लेके चलते हैं घर। रक्शा आ चुका है, अब जो है ना हम सामान लोड करने लगे हैं, कुछ वहाँ पे हो रहा है और बाकी के जो है ना ये गोभी के गट्टू ये यहाँ पे पड़े हैं, तो लोड करते हैं आप जी। सामान जो है ना लोड कर रहे हैं हम, कुछ नीचे रख दिया है यहाँ पे और कुछ इधर, कुछ जो है ना आगे रखा हुआ है। आलू के हमने लिए हैं 2 बोरे, एक बोरा जो है ना हम लेके जा रहे हैं, दूसरा जो है ना फिर उठाते हैं, क्योंकि सामान है ज़्यादा और रक्शे पे अल्लाह करे कि आ जाए, इसको जो है ना आगे रखते हैं ताकि ये रक्शा पीछे उठ ना जाए। ए ओके ओके ठीक है ओके। उत्ते उठा, उत्ते। जी तो सामान लोड करवा दिया हमने रक्शे के ऊपर, सामान जा रहा है, तो हमने थोड़ा काम करवाना है गाड़ी का, वो मिसिंग कर रही है, तो हमने सोचा ये जो है ना शहर कोटा दूसरे दिखा के फिर हम जाएंगे। बाकी सामान लोड होके जा रहा है, पहली गाड़ी हम ले आए हैं जी शॉप पे मैकेनिक के पास, उसकी जो है ना सेटिंग कर रहे हैं, पुर्जे वगैरह भी कुछ निकाल दिए हैं, इसकी सेटिंग होती है तो फिर चलते हैं घर जी। तो जो कल हम सब्ज़ी ले आए थे, कल तो मैं पूरा दिन मसरूफ रहा क्योंकि वो गाड़ी का मसला हो गया था, हम शाम को वापस घर पे लौटे थे तकरीबन मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज हमने रास्ते में पढ़ी थी। तो वो जो है ना अब हम इसकी पैकिंग करते हैं सब्ज़ी की, ये आप देख सकते हैं सब्जी कुछ इधर हमने रख दी है, कुछ अभी पड़ी है, ये बड़ा गट्टू है, आप जो ना मेरा साथ दे। हाँ, क्योंकि ये अकेले बंदे से नहीं उठेगा, इसका काफी वजन है, तकरीबन 1.5 मन से ज्यादा है। हाँ जी। तो इसको जो है ना हम इधर रखते हैं कारपेट पे, वो क्लीन पे, तो फिर जो है ना इसकी पैकिंग करते हैं। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह पैकिंग करके फिर जो है ना सबको बुलवाएंगे जिसको जरूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें फोन की तरह। तो जो न्यू है हमारे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छा अच्छा कॉमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो हमारी शुरू, वीडियो हमारी तो कब से शुरू हो चुकी है, तो सलाम मैंने अभी किया है, अभी जो ना इसकी सेटिंग क्लीन पे करते हैं, पैकिंग भी करनी है, पैकिंग करके फिर तकसीम भी करनी है, जिसको जरूरत होगी उनको जो ना हमने बुलवाना भी है। हाँ, मैं तो कुछ बंदों को बुला अभी आया हूँ, इधर आ जाओ मामू, एक मिनट हमें ये उठाने दो। हाँ, तो सबसे पहले इनको उठाते हैं, उधर रखते हैं, फिर इनकी पैकिंग शुरू करते हैं यार।
ये तरीका है इसका निकालने का, एक कर दी बेटी कदम निकले ना दिखा तो लागे नहीं आई है ना सबसे पहले बच्चे खाएं गाजर बस बाल है कोरे एक कितने भी पिया आओ आओ बालो एक ही ना गुड़िया हाँ ये कोरे चावल बड़ी गाजर बहुत जबरदस्त है जी। तो इस सब्जी की पैकिंग जो है ना वो हो रही है, ये देखें जी इधर अभी आलू पड़े हैं, गाजर भी पड़े हैं और सब जो है ना पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जी है तो हमें टाइम लग जाएगा पैकिंग करते हुए, तो साथ साथ में सब मिलजुल के पैकिंग कर रहे हैं। एक अम्मा जी अभी पहुंची है, बेवा अम्मा जी है, आमीन सुम्मा आमीन। तो अम्मा जी को हमने सब्जी दे दी, अम्मा जी ने कहा कि मुझे दे मैंने जाना है, चलो मैंने कहा ठीक है, बाकी को जो है ना सारी ये वो पैकिंग करके सबको देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है अम्मा जी, दुआ करनी है, आमीन आमीन सुम्मा आमीन यार रब्बुल आलमीन। और ये सब्ज मिर्च भी आ गई थी तो बाकी सब में जो है ना फिर डाल रही है, अभी फिलहाल पैकिंग ही हो रही है। मैं जा रहा हूँ बैर जी, एक वो चाचा जी आए हुए हैं बेचारे निहायत गरीब हैं, उसको जो है ना आज सब्जी देता हूँ, तो वो बाहर बैठे हैं वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है ना काफ़ी देर है, तो ये बेचारे बैठे ना रहे, चले वो जाके जो है ना फिर वो अपनी रेसिपी का कोई सालन बनाने का इंतज़ाम करें। तो ये चाचा जी हैं जिसको भी दे रहे हैं, ये बेचारे बैठे ना रहे, ठीक है दुआ करनी है, हाँ अल्लाह ताला उनके मालो जान में बरकत अता फरमाए, हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पैकिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं इस साइड पे हमने जो है ना रख दी है, और जो हमारी मैं बहनें बेटियां आ चुकी हैं तो उन सबको हम दे रहे हैं, जिसकी मैं नहीं आ सकी तो वो छोटी बच्चियाँ आई हुई हैं, तो चलें इनको हम दे रहे हैं, वो नहीं आ सकी, कोई बीमार है, कोई कहीं पर गई हुई है, तो इसलिए जो है ना फिर वो नहीं आ पहुँची, बाकी जो आ चुकी हैं तो उनको दे रहे हैं हम। तो अम्मा जी मेरा भेणी बेटा सारे दुआ करे सोने दे हक के सारे हक च, आमीन सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ अभी तो फिलहाल महाना हम एक दिन जो है ना तकसीम करते हैं, दुआ करें कि ये डेली का बन जाए, मेरी तो ये सोच है कि डेली यहाँ पे जो है ना जो मुस्तहकीन घराने हैं उन तक सब्जी जाती रहे, मेरी तो ये सोच है बस। आप सब भी दुआ करें, देखने वाले भी और तुसे भी दुआ करें सो सारे कि अल्लाह ताला बरकत अता फरमावे, ये डेली का निज़ाम ही में चल बजे इंशाल्लाह हाँ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये कितने घर हैं देखते हैं फिर ये गिनती भी हो जाएंगे, बाकी जो बच्चे हुए हैं वो भी देख लेंगे, ये अंदाज़ा भी हो जाएगा और कितने घरों का है। अठारह पूरे हो चुके हैं, सबको दे दिया बस एक रहता है, वो सामने जो बच्चे हैं। चलें जी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए उन सब के मालो जान में भी, ये यहया भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। ठीक है दुआ करे सो सारे दे हक सारे हक जी, ये दुआ करे सो के डेली का निज़ाम चले पिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनका देना और अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस काम में बरकत अता फरमाए, सब के मालो जान में बरकत अता फरमाए। और यह कुछ सब्ज़ी भी ली है, अल्लाह ताला उनकी
जो है ना माल जान में बेपना इजाफा फरमाए। ठीक है, फिर दुआ करनी है, और ये जो बच्चे हुए हैं बाकी जो आ रहे हैं घराने तो उनको देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी कुछ और हमारी मैं बहनें आ चुकी हैं और उनको भी हमने सब्जी दे दी है, तो अल्लाह ताला इन सबको भी सलामत रखे, इनकी हर परेशानी को दूर फरमाए। ठीक है, दुआ करे सो सारे दे आके, ते खास कर आसिफ भाई हैं उन्होंने घर लिए तकलीफ नाल, ते उन्हें वास्ते जरूर दुआ करे सो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामल अता फरमावे। भाई आसिफ दी घर वाले जी मरियम ते बालन बम मंगाईए कर कोई में जा कारोबार कानी चला घर वाला कानी कमावन दा जरा मजदूर है मैं बाहर ही मेरा कोई करना मैं दवाई की दी रहे मैं नल कोई दाद पैसे इसको जो ना ये कान के पीछे जो ना इतनी बड़ा बहुत बड़ा रसोली है मैं दवा करन दी रहे मेरे को पैसे कानी मेरा करना ला कोई नहीं ये बेचारी डिसेबल है बालन घर वाला पानी करांदा नहीं पैसा अच्छा तू सा कितो दई बे असा कलोनी दे अच्छा बापडा कलोनी ने जी अच्छा देख ले दे सारा घर ये सा कानी जो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। तो ये जो है ना दोनों मां बेटी ये अभी हमारे घर पे पहुंची हैं, ये दूर से आए हैं बेचारे, तो इत्तफाकन ये आ गई, चलें सब्जी जो है ना इनके नसीब में थी ये तो मिल गई है। बाकी जो मुखय्यर हजरात देख रहे हैं अगर इस अम्मा जी की, ये बेचारी डिसेबल है, पीछे जो है ना बहुत बड़ी रसोली है इसकी पीठ के पीछे, तो उसका भी इलाज चल रहा है और ये काफ़ी जो है ना नहायत गरीब है अम्मा जी फरमा रही हैं। कोई बहन भाई अगर इनकी हेल्प करना चाहे तो आप सबके लिए सबका जारिया होगा। तो ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमावे। अल्लाह ताला मदद फरमाए, अल्लाह ताला मदद फरमाए। नमाज पांच वक्त पढ़ा करें, अल्लाह ताला से मांगा करें, देने वाली अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। ठीक है, दुआ करनी है। तो ये बेचारे इसलिए हमारे यहाँ आए हैं, ये आज पहली बार आए हैं हमारे पास, तो मदद जरूर करा है। चलो अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज। ठीक है, दुआ करनी है खासकर भाई आसिफ दी घर वाली वास्ते, तो यहाँ भाई उन्हें वास्ते उन्होंने पूरी फैमिली वास्ते दुआ करे सो। ठीक है, हाँ अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल अता फरमावे भाई आसिफ दी घर वाली को, उनके लिए खासकर जरूर दुआ करनी है। कुछ बच्चे जो ना अभी पहुंचे हैं, इनकी अम्मी जो है ना तकलीफ में थी और सिस्टर भी साथ में बैठी है, तो इनको जो है ना हमने ये सब्जी वगैरह दे दी है। बच्चों दुआ कराए अंकल, यहाँ कितने दुआ कराए ढेर सारे। ठीक है, ये बच्चा अभी आया है और इसकी अम्मी बेचारी बीमार है, तो इस बच्चे को दे रहे हैं। ठीक है बेटा, दुआ करें। हाँ वो चाचे आसिफ है उनकी घर लिए बीमार, उनके वास्ते दुआ करें, अपनी अम्मी को आके वही दुआ करे सी। ठीक है, हाँ अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। ठीक है फिर ले जाओ। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये मैं बहनें अभी हमारे पास पहुँची हैं और ये बच्चे भी अभी पहुँचे हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये बच्चे जो सामने बैठे हैं ना, ये मुतलका जो बहन आपको सब बहन भाइयों को पहले भी दिखाई थी वीडियो में, ये उसी के बच्चे हैं। वो बहन जी जो ना बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उसे बुखार था तो वो नहीं आ सकी, तो ये बच्चे आए तो बच्चों को हमने दे दिया है। बच्चों अंकल यहाँ कितने ढेर सारी दुआ कराए, वो अल्लाह को द्रे देवे, वो अल्लाह को देंदा रहे, वो में भिजेंदा रहे, वह तसा तो आपको दे रहा हूँ। ठीक है मालो, अल्लाह को बहु द्रे देवे, बहु ज्यादा देवे बहु। हाँ मुआविया को सदवा ऐसे, ये पांच घरों के राशन जो है ना आपने पहुँचाने हैं। ठीक है, वो आपको बताता हूँ, इसके अंदर डाल दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि वो बेचारे आ नहीं पाए तो आपने वहाँ पे फिर दे देना। हमें भी टाइम नहीं है, शाम का काम भी करना है हमने, तो इसी वजह से मुआविया को बुलवाया है, तो ये मुआविया भतीजा जा रहा है देने के लिए। हाँ बड़ी मेहरबानी होगी आप जो है ना हमारा काम कर रहे हैं। हाँ क्योंकि शाम हो चुकी है, असर की अजानें भी हो रही है। ये पाँच डाल दिए ना, पाँच है ना। हाँ दुआ करवानी है उनसे भाई आसिफ की बीवी के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और याह्या भाई के लिए दुआ करवा देनी है। ठीक है, तो ये उनको दे देने हैं। मुआविया भतीजों को मैंने बता दिया है जिन घरों को देने थे, तो ये जा रहा है वहीं पे फिर दे देगा। ये बच्ची अभी पहुंची है और एक बाबा जी भी बाहर आए हुए हैं,
एक जो है ना वो जो बाबा जी खड़े हैं उसको दे दे, ठीक है? ठीक है, हाँ दुआ करनी है, दुआ कर अंकल यहाँ याद है हक के चला आपको दे दे। और भाई आसिफ के लिए, उनकी बीवी के लिए दुआ कर देनी है, ठीक है सबको। ये बच्चा भी अभी पहुँचे हैं तो इसको भी दे दें, क्योंकि सर्दी है, बड़े जो है ना कोई बीमार पड़े हैं, कोई कहीं पे गए हुए हैं, तो इसीलिए जो है ना फिर अक्सर बच्चे ही आ रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं। चलें ठीक है बेटा, ले जाओ। कुछ राशन जो है ना वो बच चुके हैं, क्योंकि कुछ घराने अभी तक पहुंचे नहीं हमारे यहाँ, तो वो फिर हम खुद भिजवा देंगे किसी के हाथ, या खुद जाना पड़ेगा जो नहीं आ देखेंगे। अगर वो नहीं आ सकेंगे तो इंशाल्लाह कल हम जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं है। हाँ जी, क्योंकि अगर हम उधर चले गए तो कोई और इधर आ जाता है, तो इसी वजह से आज जो है ना हम देखते हैं। हाँ जी, अल्लाह खैर करे, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जितने हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए। और आप सब बहन भाइयों से भी गुजारिश है भाई, आसिफ की बीवी के लिए ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल अजल अता फरमाए, और भाई यहाँ के लिए और जितने भी हमारे साथ बहन भाई जुड़े हुए हैं सब के लिए दुआ करनी है। इसमें जो है ना राशन में भाई आसिफ का भी कुछ हिस्सा था, तो उनकी वाइफ बीमार है, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के लिए दुआ करवानी है, कुछ हमने राशन लिए थे, कुछ जो है ना इसमें हमने शामिल किया है, कुछ को पैसे दिए हैं, तो इस तरह जो है ना इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा ये सिस्टम, आप सब ने दुआ करनी है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।